स्टेप अप जैसा यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। सबसे बड़ी बधाई देना चाहूँगा आपको कि इसके 3 लाख फॉलोअर्स हो चुके हैं। आज भैया मैं कहाँ पहुँचा हूँ आप देख लीजिए। मेरा पैतृक गांव सलेमपुर। तो आज का मेरा टॉपिक रहेगा नशे के पे। जो आने वाली पीढ़ी है वो नशे में 75% जा चुकी है। तो कुछ मेरे गांव के दोस्त, मेरे अजीज मित्र यहाँ पे मौजूद, उनसे मैं कुछ बात करना चाहूँगा, उनसे इस बारे में राय लेना चाहूँगा कि हमें इस पे क्या कदम उठाना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए। तो उनसे चलिए भाई बात कर लेते हैं। राम राम सर। तो मेरा टॉपिक है इस पे आज जो बात कर रहा हूँ नशे पे। तो ये नशा के ऊपर बात करना चाहता हूँ। ये जो इतना ज़्यादा नशा हो रहा है, 75% लोग गर्भ में जा चुके हैं, तो इस पे आप कुछ बोलिएगा। सर देखिए, ऐसा है, नशे के प्रति जो एक सबसे बड़ी समस्या जिसको हम सामान्य मान रहे हैं, तंबाकू। हमारे यहाँ शराब का इतना प्रचलन नहीं है जितना कि तंबाकू का है, और तंबाकू का नशा बहुत ही जानलेवा। तंबाकू का जो एक कस, हमने जो एक हरियाणवी संस्कृति के नाम पर ये ओके का जो प्रचलन है, उसका एक एक कस हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है। वो हमारे गले के लिए, लंग्स के लिए, लीवर के लिए, और ये क्या कहते हैं अपने जो ये तनावग्रस्त जिंदगी है, इसमें क्षणिक रूप से ये एक बार महसूस होता है, बाद में ये बहुत ही नुकसानदायक है। थैंक यू। बोलिए भाई। भाई सर बोलो, अपना तो कौन बोले जा। सरपंच साहब, नशा है बहुत बड़ी बीमारी है ये। इसमें गांव में भी ज़्यादातर आप 75 बोल रहे हो, हमारे गांव में तो थोड़ा कम है। वैसे गांव के अंदर 80% तक लोग इससे परेशान हो चुके हैं। बाकी सरकार को भी इसके ऊपर कुछ कदम उठाना चाहिए। सरकार को इसके ऊपर कदम उठाएगी और गांव के सरपंच से नौजवान लड़कों का सहयोग होगा, तभी इसके ऊपर काबू पाया जा सकता है। इस बारे में एक बात कहना चाहूंगा कि जहां भी गांव में जो ठेके खोले जाते हैं, ग्राम पंचायत से सलाह लेकर के ही होने चाहिए। काफी पंचायतें ऐसी हैं जो नहीं चाहती कि गांव में ठेका खुले। जी जी सरपंच सर, राम राम। राम राम। तो आप भी दो बात बोलिएगा हमारे दर्शकों को। अभी आपको 3 लाख सब्सक्राइबर है हमारे, वो देख रहे हैं हरियाणा से। देखो, नशे से हमारा समाज है वो बिल्कुल खोखला हो रहा है जी। हमारे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के साइड में, जो अपना राजस्थान के साइड में एरिया है, यहाँ पे बहुत कम नशा है जी। बहुत कम। अपने फतेहाबाद साइड में, सिरसा साइड में इधर ज़्यादा है। तो हम तो यही सलाह दे रहे हैं कि सभी युवा बच्चों को, युवा साथियों को, कि नशे से दूर रहें और अपने सेहत का ध्यान रखें, अपनी लंबी लाइफ जी। अच्छा ठीक है। तो मैं सब जो है ना, ये जो ठेके हैं ये हमेशा ही आउट एरिया में होने चाहिए, गांव से बाहर। और स्कूल एरिया है, मंदिर है, मस्जिद है, या कहीं उससे दूर। और बल्कि ये लाल डोरे से बाहर होनी चाहिए। कांकड़ एरिया में, मतलब जैसे दूसरे गांव की सीम लगती है, जैसे डानी है, ओबरा है, कांकड़ में होनी चाहिए। आप इसमें सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? सरकार को संदेश की देना चाहेंगे, सरकार ही करवा रही है काम, सरकार ही ये काम करवा रही है। सरकार ठेके नहीं जाएगी तो हम ठेके कहाँ से जाएंगे? कहाँ से नशे पे क्या एक्शन होना चाहिए? नशे पर थोड़ा एक्शन होना चाहिए। 100% आदमी इसे ग्रस्त है, और ये जो समाज और जो बच्चे आने वाली पीढ़ियाँ क्या कहेंगे कि ये हमारे लिए ये छोड़ के बुजुर्ग, कि नशा मुक्ति होनी चाहिए और नशे से दूर रहना चाहिए। नशा है यही तो एक जो है भयानक बीमारी है, इससे दूर रहो। और आने वाली पीढ़ी को यह संदेश दो कि नशा बुरी चीज़ है, और सरसा साहब के पते वाले एरिया है, मतलब बड़े बड़े नशे होते हैं जी। ओके वगैरह जी। सरपंच साहब बताइए। छोटी सी बात और बताना चाहूँगा मैं, जो आज के दिन जो स्टेज के ऊपर बोलने में हिचकिचाहट है और कुछ है, वो सबसे ज़्यादा मेन प्रॉब्लम जो है वो नशे के कारण है जी। मैं मानता हूँ सर, सही बात आपकी। नशे से उसका मॉरल डाउन होता है, और उसके अंदर जो घबराहट जो पैदा होती है इंसान के अंदर, वो कहता है ना कि मेरे बोलने में घबराहट पैदा होती है, वो उसका मेन इशू नशा है। आप 10 दिन 15 दिन है वो नशा छोड़ के और देखो, अपने खुद के अंदर वो एक वारसा आएगा, मतलब मन में चेतना ही जागेगी।
तो सरपंच साहब मैं एक बात करना चाहूंगा, छोटे बच्चे नए नए जो फूले जैसे हैं, आप उनको एक संदेश दे दीजिए, क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में, छोटे संदेश बोल दीजिए। मैं तो उनको ये संदेश देना चाहूंगा कि सुबह 4 बजे उठो, उसके आसपास जो भी उसके पास उपयुक्त साधन है उस साधन का प्रयोग करके अपनी एक्सरसाइज करें, यही संदेश देना चाहूंगा। बिल्कुल, नशे से दूर। ठीक है दोस्तों, आज आपको ये वीडियो मेरे गांव सलेमपुर से बनाई, विधानसभा लोहारू क्षेत्र से आता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद।